प्रदर्शन है वो हमारी राज्य स्तरीय कमेटी की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है। इसका आह्वान किया गया था कि पूरे हरियाणा के 22 जिलों में 3 अगस्त को थाली बजाओ सरकार जगाओ का अभियान चलाया जाएगा। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे हैं, उन्होंने कोरोना के समय यह आह्वान किया था कि थाली बजाकर कोरोना को भगाएंगे, तो उन्हीं के अंदाज में हम सरकार को जगाने आए हैं, चेताने आए हैं कि आप हमारी एकमात्र एक जायज मांग 3500 को मान लिया जाए, नहीं तो यह आंदोलन लगभग ऐसे ही तेज होता रहेगा। इसी कड़ी में कल 4 तारीख को हम हरियाणा सरकार का पुतला फूकेंगे, उसके बाद 5 तारीख को, तो 5 जुलाई को हम हड़ताल में बैठे थे, तो 5 अगस्त को उसी तारीख को ब्लैक डे मनाया जाएगा। सभी कर्मचारी सभी लिपिक साथी काले कपड़े पहनकर धरना स्थल पर पहुंचेंगे, और अगर इसके बाद भी सरकार नहीं मांगती है तो फिर हम उसे आंदोलन मना देंगे। हमारे पास समर्थन आने लगा है, हम मजबूर हो जाएंगे उनके इस आंदोलन में उतारने के लिए। मेरा नाम सुशील लाठर, जिला प्रधान CAWS जी। जी मैडम, क्यों जरूरत पड़ी थाली बजा के प्रदर्शन करने की? काफी टाइम से थाली बजाने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि सरकार सोई हुई है और हम ये काम करके अलग अलग हर दिन अलग अलग काम करके हम सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं, ताकि वो हम लिपिकों की मांग को, जायज जो मांग है उसको माने और हमें यहाँ से उठाने का काम करे, और ताकि हम सह सम्मान अपने ऑफिस के अंदर जा सके। बताओ जी, सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। सरकार को जगाने के लिए हमें थाली बजाने की जरूरत पड़ी है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम ये धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रखेंगे और लगातार अलग अलग तरीके से सरकार को जगाने का हम काम करेंगे। आपका नाम? रीना है, GHS। हमें यहाँ बैठे 30 दिन हो गए हैं और सरकार के कानून के तो हमें आज का प्रोग्राम नाम शिखा है, मैं DC ऑफिस से हूँ। आज हमें बैठे हड़ताल पे 30 दिन हो गए हैं, तो आज हम कल हमारा जो प्रोग्राम है थाली बजाओ सरकार जगाओ, सरकार के कानून तक 30 दिन से कोई जू तक नहीं रंगी है। हमारा काम काम तो जगाना है, सरकार जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेगी पहले जब से हम हड़ताल पर बैठे रहेंगे, हम यहाँ रोष प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक सरकार के कानून पर जू तक नहीं रंगेगी। सरकार की वजह से सारी महिला सारे कर्मचारी बहुत परेशान है, यहाँ हम गर्मी में बारिश में बैठे रहते हैं, हर हाल में बैठे रहते हैं, सारा दिन घर छोड़ के आते हैं, किसी को हमारी दिक्कत परेशानी हमारी समझ तक नहीं आई। सरकार हमारे हित में फैसला जब तक नहीं करेगी हम यहाँ हड़ताल में बैठे रहेंगे, हमारा गुस्सा चलता रहेगा, ऐसे ही दिखता रहेगा, हम जब तक पीछे नहीं हटेंगे। सरकार का जो रवैया रहा है 30 दिन में, जब तक हमारी जो मांग सुनी नहीं अभी तक, उनको शर्म आनी चाहिए। हम यहाँ अपने बच्चों को परिवार को छोड़कर बैठे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। बारिश का मौसम हो या गर्मी का मौसम, वर्क पे जो उन्होंने लागू किया था नियम, वर्क पे जो नियम जो लागू किया था, नो पे नो वर्क, उनको शर्म आनी चाहिए। वो क्या चाहती है सरकार, हम डर के भाग जाएंगे? हम भागने वाले नहीं है, हम डर के भागने वाले नहीं, हम 3500 के लिए बैठे यहाँ पे 30 दिन से और 3500 ही लेके जाएंगे। मेरा नाम शिखा है और मैं उप प्रधान हूँ जिला काज। धन्यवाद।